फ्रेंड्स, बात करते हैं मेलामेट क्रीम की। ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं इफेक्टिव है, और साथ के साथ ना ये एक स्टेरॉइड क्रीम है। जैसे कि आपने जान लिया ये स्टेरॉइड क्रीम है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप ये क्रीम यूज कर सकते हो, और साथ के साथ ये क्रीम अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए यूज कर लेते हो, इसके आपको कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मेलामेट क्रीम आपने यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किस कंडीशन में करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। अगर आपने मेलामेट क्रीम कभी यूज की है, या आप करने की सोच रहे हो, या आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, ठीक है जी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है आप लोगों के लिए, सो ये वीडियो जो है बिना स्किप किए देख लीजिएगा। और साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, या मुझे देखते रहते हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, वो क्लिक करके ग्रे कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर मेलामेट क्रीम के बारे में, ठीक है जी, जो कि एक है स्टेरॉइड क्रीम। तो जैसे कि हमने ये स्टेरॉइड नाम ही सुन लिया है तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये क्रीम हमने यूज नहीं करनी है। बट फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने ना ये क्रीम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके साइड इफेक्ट्स उन लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है जी। बट फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ ये मेलामेट क्रीम जो है ना, ये एक शॉर्ट टर्म मेलाज्मा को ट्रीट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन हो चुकी है, मेलाज्मा हो गया है, बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन वर्स्ट हो चुकी है, जो कि एक नॉन स्टेरॉयड क्रीम से नहीं जा रही है, ठीक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया, एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स भी आप लोगों को एक स्टेरॉयड सजेस्ट करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे फैमिली मेंबर में भी, तो डॉक्टर्स भी स्टेरॉयड जो है सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी। बट उसका एक तरीका होता है यूज करने का, उसका तरीका होता है रोकने का, उसका तरीका होता है आफ्टर केयर का भी, ठीक है जी। आपने नॉर्मल क्रीम की तरह स्टेरॉइड्स आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, सो प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, और अगर कुछ भी आप लोग को डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कैसे रोकना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इन केस आपका ये सिचुएशन आ चुका है कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए, बहुत सारी दवाइयां ले ली हैं, और अब आप खुद से ही ये मेलामेट क्रीम ले रहे हो, ठीक है। पहली चीज ये, एक डॉक्टर सब्सक्राइब अगर आपको करें, प्रिस्क्राइब करें सॉरी, तभी आप इसको यूज कर सकते हो, और वो भी उनके बताए हुए तरीके से। वो आपकी स्किन को एनालाइज करते हैं, आपके मार्क्स को देखते हैं कितने गहरे हैं या कितने ढीठ हैं, वो नहीं जा रहे हैं नॉर्मल मेडिसिन से, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद नॉन स्टेरॉइड से वो स्टेरॉइड्स पर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो अब आपका जो हाइपरपिगमेंटेशन है, आपका मलाजमा है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन खराब हो गई है, पैचेस आ गए हैं, अब जी वो जा नहीं रहे एक नॉन स्टेरॉइड क्रीम से। डी मेलन यूज कर ली, कोजीविट यूज कर ली, ये एक बहुत ही कमाल की क्रीम्स है, बट फिर भी आपको असर नहीं हो रहा। इन कहते हैं ना, पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती, एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसको कुछ भी असर ना कर रहा हो, ठीक है, 100 में से 10 लोग होंगे कह लो, ठीक है। अब फ्रेंड्स, वो पर्सन जो है मेलामेट अपने तरीके से यूज कर रहा है, तो अब क्या करना है आपने, वो मेलामेट क्रीम आपने यूज करनी स्टार्ट कर देनी है, या तो आप एक इफेक्टिव एरिया पे ही उसको ट्रीट करो, ठीक है। जैसे कि यहां पे डार्क स्पॉट्स है आपके, या प्लाज्मा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आपने यहीं पर ही इसको ट्रीट करना है, ठीक है जी।
आपने इसको सिर्फ रात को लगाना है और मॉर्निंग आपने सनस्क्रीन जरूर से लगाना है, ठीक है जी? नहीं तो आपकी स्किन बहुत वर्स्ट हो जाएगी, आपकी स्किन काली पड़ जाएगी, आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी, जो हाइपर पिगमेंटेशन था वो और ज्यादा वर्स्ट दिखने लग पड़ेगा आपको, ठीक है जी? आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये ग्लो एल ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स हैं। ये एक तरह से डाइटरी सप्लीमेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अंदर है एल ग्लूटाथियोन, वाइटामिन सी, बायोटीन, ग्रेप सीड एक्स्ट्रैक्ट, वाइटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है जी? ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं, एनहेंस करते हैं, लोग को कोलाजन को बूस्ट अप करते हैं, आपकी अगर कोई फाइन लाइंस वगैरह आ रही हैं उसको भी ये ट्रीट करते हैं और साथ के साथ आने वाली फाइन लाइंस को भी ये रोकते हैं फ्रेंड, ठीक है जी? एल ग्लूटाथियोन बहुत ज्यादा एक फेमस इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप व्हाइटन अप करने में काफी अच्छे से हेल्प करता है, आपकी स्किन टोन को ये इम्प्रूव करता है फ्रेंड्स, ठीक है जी? ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, जो कि आपको फ्री रेडिकल से बचाती हैं, ठीक है जी? जिससे आपकी स्किन डार्कन होने से बच जाती है, ठीक है? आपकी डार्क नहीं होती है स्किन, आपकी स्किन टोन पे और ज्यादा असर करती है, कोलाजन को बूस्ट होता है जब वो स्किन टाइट हो जाती है, ठीक है? तो ये स्किन आपकी टाइट करेगी, आपकी स्किन को व्हाइटन करेगी, ब्राइटन करेगी। व्हाइटन का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि वो कोरियन स्किन बना देगी, व्हाइटन मतलब आपकी स्किन पे एक चमक लेकर आएगी, थोड़ा लाइटन अप से स्किन होने लग पड़ेगी, अनइवन टोन से वो इक्वल लगने लग पड़ेगी, ठीक है जी? व्हाइटन अप का मतलब बहुत ज्यादा गोरा मत समझ लेना, ठीक है जी? तो ये सारी चीजें जो है ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन पे ग्लो लाने के लिए। बहुत ही प्यारा ग्लो आता है जब आप इसको लेते हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके दो कैप्सूल्स लेने हैं आपने, एक मॉर्निंग और एक नाइट आफ्टर मील, ठीक है? दो से ज्यादा आपने नहीं लेना है फ्रेंड्स, ठीक है जी? लिंक्स होंगे जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन केस अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं मेलामेट क्रीम आपने कितने लंबे समय तक यूज करनी है। पहली चीज, ये लंबे समय तक आपने यूज नहीं करनी है, ठीक है जी? ये आपने यूज करनी है सिर्फ 2 से 3 महीने। अगर आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स 1 महीने में ही मिल जाते हैं, आपने उसी वक्त रोकना है, ठीक है जी? अब मैं आपको बताती हूँ रोकना भी आपने कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको 1 महीने से फॉर एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ, ठीक है जी? इस क्रीम को मैंने इस एरिया को ट्रीट करना था मेलामेट क्रीम से, ये ट्रीटमेंट मैंने दिया और इसमें काफी असर मुझे मिल गया है, अच्छा जी? अब क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी, इसको अल्टरनेट डेज पे यूज करना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब एक दिन छोड़ के मेलामेट क्रीम इसी इफेक्टिव एरिया पे यूज करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है जी? अब 1 हफ्ता और बीत गया अल्टरनेट डेज के साथ, नेक्स्ट वीक मैंने क्या करना है, इसको 3 दिन के बाद यूज करना शुरू कर देना है। 3 दिन के बाद यूज करूंगी, एक और हफ्ता ऐसे ही निकल गया आपका, मतलब 2 हफ्ते निकल गए। तीसरे हफ्ते मैं हफ्ते में इसको 2 बार सिर्फ यूज करूंगी, ठीक है जी? चौथे हफ्ते से आप इसको छोड़ सकते हो। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूं। 1 महीना मैंने रेगुलर अपने स्किन को, सेल्स को ट्रीट करती रही, उसको स्टेरॉइड्स देती रही, ठीक है जी? ताकि वो ट्रीट हो जाए और मुझे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाए। अब जी, अब एक स्टेरॉयड मिल गया ऑलरेडी स्किन को, उसको आदत पड़ चुकी है, वो आदत हटाने के लिए धीरे धीरे आदत हटाएंगे, है ना? किसी की भी कोई आदत होती है वो धीरे धीरे हटती है, झटके से नहीं हट जाती। धीरे धीरे मैंने हटाई ताकि उसको कोई असर ना हो, झटका ना लगे, एक बहुत स्लोली स्लोली और वो चीज उससे दूर हो जाए, ठीक है? स्टेरॉयड एक दूर हो जाए मेरी स्किन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे कि अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो, सो ब्लैक कॉफी एडिक्टेड होती है, मतलब बहुत एडिक्ट कर लेती है कि यार मुझे पीना ही पीना, 1 महीना अगर पी लो तो। उस चीज को हम लोग दूर करते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में पीना शुरू करते हैं, 2 दिन में 3 दिन में, तो ऐसे ऐसे चीज हमारी दूर हो जाती है, वो हम लोग छोड़ देते हैं उस चीज को। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आप लोग करते हो और मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। अगर रिस्पॉन्ड में थोड़ी देरी हो जाए सो प्लीज माइंड मत करना, बट आपको रिस्पॉन्ड जरूर मिल जाएगा, ठीक है जी? तो ये थी मेलामेट क्रीम के बारे में इन्फॉर्मेशन। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ, इसके साइड इफेक्ट्स अगर आप लंबे समय तक इसको यूज करते हो
और साथ के साथ आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो, ठीक है जी। अब साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट इसके आपका फेस पूरा रेड हो सकता है, आपकी जो हाइपरपिगमेंटेशन, आपका जो मलाजमा है वो और ज्यादा डार्क एंड वर्स्ट हो सकता है फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ना आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी आप कुछ लगा नहीं पाओगे, धूप में नहीं जा पाओगे, जलन होगी, स्किन पतली सी हो जाएगी। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप इस क्रीम को 2 महीने से ज्यादा मत यूज कीजिएगा। 2 महीने में भी आपको इसके असर नहीं मिलते हैं, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है जी। तो मैं यही रिकमेंड आप लोगों को करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ये छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है या कुछ भी पसंद आया ना तो एक लाइक जरूर कर देना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।